हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय न्यू व्लॉग में फार्म हाउस। और आज हम लगवाने वाले हैं, हमारे फार्म हाउस है न्यू पेड़। ये पेड़ रोज हो रहा है, इससे गड्ढा हो जाता है और फिर ऐसे हम पेड़ लगा देते हैं। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी से गड्ढा कर देती है। और गाइस जी, पाइप गाइस, आप भी एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब इस मतलब बारिश का मौसम आए तो एक पेड़ तो जरूर लगाना है। हमने तो ज्यादा लगवाए क्योंकि हमारा तो बड़ा फार्म हाउस है, लेकिन आपको भी मतलब हर बारिश के मौसम में एक पेड़ तो लगाना है और उसके अच्छे से केयर करके बड़ा करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय न्यू व्लॉग में। आज इसके व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा फार्म हाउस। और आज हम लगवाने वाले हैं, हमारे फार्म हाउस है न्यू पेड़। मतलब आंवले लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप पीछे, ये आंवले के कुछ जगह हमारे जो खत्म हो चुके हैं पेड़, उनकी जगह और नए पेड़ लगवाएंगे। हमने 550 पेड़ मंगाए नए, तो वो लगवाने वाले हैं। तो आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं पेड़ और कितने रुपए का पड़ता है। अगर आप भी लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो नए पेड़, तो आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो हमारे आंवले बड़े बड़े हो चुके हैं, अब देख सकते हो मेरे पीछे। और ये देख सकते हो गाइस, ये हमारा फार्म हाउस है। वो लोग पसंद आए तो प्लीज वो लोग को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं से प्यारे प्यारे वो लोग बनाता रहता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। प्लीज मेरा सपोर्ट करें जरूर, आपको ऐसे प्यारे प्यारे वो लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड में दिखाता रहूंगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, आंवले बहुत अच्छी चीज है लाइफ के लिए। ये देख सकते हो कितने शानदार आंवले आ रखे हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये देखो ये पेड़ों कैसे आ रहे हैं, देखो कितने सारे आंवले आ रहे हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये अच्छे से देखो कितने प्यारे प्यारे आंवले आ रहे हैं। ये हमारा फार्म हाउस है, शानदार तरीके से देख सकते हो आप। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये लगवा रहे हैं हम पेड़। ये देखो ये मशीन है खड्डे करने की, जो पेड़ लगाते हैं उसका। ये देखो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल और इससे गड्ढा हो जाता है और फिर ऐसे हम पेड़ लगा देते हैं। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी से गड्ढा कर देती है। और गाइस ये पाइप दे रखे ना, इसे 20 फुट के मतलब अंतराल पर लगा रहे हैं पेड़, तो ये पाइप नापने के लिए ले रखे हैं। देखो इतना शानदार गड्ढा बना दिया इसने, कुछ ही मिनट मतलब ज्यादा ज्यादा आधी मिनट लगी होगी बनाने में। ये देखो इधर और करेंगे, ये खड्डा खोदने लगी तो कम से कम आधे से एक घंटा लग जाएगा ये खड्डा खोदने में, तो ये बहुत टाइट मिट्टी है। यहाँ पे खोदने में मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लगती है खोदने के लिए। ये देखो मशीन से कितना ही काम हो रहा है। तो ये लोग बुलाए हैं हमने, मतलब इतने सारे पेड़ हमसे नहीं लग पाते इसलिए ये लोग बुलाए हैं। ये देख सकते हो ये पाहुड़ी से पहले जगह साफ कर रहे हैं खोदने के लिए और फिर उसको लगाते हैं। ये पिक्कम में भरे हुए हैं पेड़, ये लगाने वाले लोग आए हैं 4 से 5 दिन एक पेड़ को लगाने के ले रहे हैं 40 रुपये। और हमारा पेड़ पड़ा है ना, वो पड़ा है 130 रुपये का एक पेड़, वो मतलब पेड़ की प्राइस है। और ये लोग ले रहे हैं 40 रुपये ले रहे, तो 170 रुपये में हमारा पेड़ लग के तैयार हो रहा है फार्म हाउस में। फिर इनकी देखभाल वगैरह ये हम कोई करनी है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं ले रही है। तो गाइज ये लगवा लिए पेड़ हमने अब। तो गाइज आज के वीडियो में आपने देखा पीछे कि हमने कैसे नई टेक्नोलॉजी का यूज करके पेड़ लगवाए हैं, और आप देख सकते थे कितने कम समय वो मशीन गड्ढे कर रही थी। और उसकी कॉस्ट की बात करें तो उसकी कॉस्ट पड़ जाती है 20 से 25 हज़ार रुपये के समथिंग पड़ जाती है। और गाइज आप भी एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब इस मतलब बारिश का मौसम आए तो एक पेड़ तो जरूर लगाना है। हमने तो ज़्यादा लगवाए क्योंकि हमारा तो बड़ा फार्म हाउस है, लेकिन आपको भी मतलब हर बारिश के मौसम में एक पेड़ तो लगाना है और उसके अच्छे से केयर करके बड़ा करना है। हमने ये आप पीछे देख सकते हो इतने सारे पेड़ लगवा रखे हैं, ये आंवले के पेड़ है। और उधर दूसरी साइड आपको पिछले व्लॉग में दिखाया मैंने, बील पत्थर के पेड़ है हमारे फार्म हाउस है, आंवले के पेड़ है। हमारे पहले से लगे हुए हैं 2200 पेड़ तो लगे हुए हैं, 1000 पेड़ बील पत्थर के, 1200 पेड़ आंवले के हैं। और हमने 550 पेड़ और लगवा लिए हैं, तो
तो अब हमारे हो गए टोटल 2,750 पेड़ हो गए हैं। तो गाइज आप भी मतलब जब भी मौका मिले तो एक पेड़ जरूर लगाना, चाहे किसी का भी लगाना, छाया के लिए क्योंकि प्रकृति के लिए अच्छा रहता है। तो गाइज आज के लोग को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।